तो यार दोस्तों मैं आ चुका हूँ एक नई वीडियो लेके। एंड इस वाले में मैच में यार मेरे साथ एक ऐसी सिचुएशन होती है रोजोक में कि यार पांच बंदे मुझ पर पांच साइड से रश करते हैं। मतलब सोलो का मैच था यार और पांच बंदे पांच साइड से रश कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कितना हार्ड होगा यार। तो आप लास्ट तक वीडियो देखना, आपको पता चल जाएगा मैं कैसे सर्वाइव करता हूँ। वहाँ पर उतरते हैं यहाँ पर सेवरनी में और थर्ड स्टोरी से मुझे फुट साउंड आते हैं, तो मैं यहाँ पर सीधे आता हूँ। और इतने में ये भाई साहब दिख जाते हैं, इनको भर देते हैं। इसके बाद साइड वाले घर से भी फुटस्टेप आते हैं एंड इनको भी इजीली ख़त्म कर देते हैं। इसके बाद मैं वहाँ पे थोड़ा लूट वूट करता हूँ, फिर इस साइड आते हैं। यहाँ पे इस वाले सामने वाले घर में एक बंदा था जिसको मैं नेट से मारने की कोशिश करता हूँ, पर कोई फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि जैसे ही मैंने नेट फेंका तो बंदा नीचे निकलता है और मैं ऊपर नेट फेंक देता हूँ। तो उसके बाद बंदा ऊपर चला जाता है, तो मैं थोड़ा देर यहाँ पे थोड़ा TPP वगैरह लेता हूँ, थोड़ा अपना दिमाग लगाता हूँ कि कैसे क्या करना है यहाँ पे, फिर उसके बाद सीधे रश कर देते हैं इस पर। अब ये बंदा मेरे से फाइट लेना नहीं चाह रहा था, पता नहीं क्यों, इतने में मुझे उजी मिल जाती है। अब मैं पूरे गेम में उजी यूज़ करता हूँ, उसमें लास्ट बंदा भी मैं उजी से ही मारूँगा इस गेम में। एंड ये बंदा पता नहीं किधर TPP ले रहा था और ये भागने की ट्राई कर रहा था साइड से, पर जब मैं इसको डैमेज देता हूँ तो ये इस सैक में भाग जाता है एंड गन पीछे कर लेता है। अब पता नहीं ये टीम अप करना चाह रहा था या पता नहीं क्या था यार। इतने में गाड़ी क्रॉस करती है जो कि आपने सुनी होगी, एंड वो गाड़ी इस साइड आती है। अब इसको मैं डैमेज देने की ट्राई करता हूँ, बट लेकिन वो AKM से यार मेरे पे कंट्रोल नहीं होता रिकॉइल इतना। बैरल मैं ठीक चला लेता हूँ लेकिन AKM इतना अच्छा नहीं चला पाता हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा IQ लगाता हूँ, मैं सोचता हूँ इस साइड जाऊँगा तो बंदा सोचेगा मैं उस साइड से फ्लैंक मार के आ रहा हूँ, तो वो इस साइड दीवार के साइड में TPP लेने लगता है। एंड देखिए पूरी से मैं थोड़ा उसको डैमेज देता हूँ, उसके बाद वो सीधा ऊपर चला जाता है इस वाले घर की सेकंड फ्लोर पे। अब उसको वहीं पर मारेंगे यार। अब इसने मेरे पर फायर किया तो मैं अंदर आ जाता हूँ, लेकिन जैसे ही ये रिलोड करता है वैसे ही मैं इस पर कर देता हूँ एंड इसको फिनिश कर देता हूँ। कुछ माइक्रो सेकंड का फर्क था इसलिए मैं जीत गया। अब यहाँ पे थोड़ा M4 वगैरह उठाते हैं और एक बंदा मेरे को इस वाले चर्च में दिखता है, चर्च पता नहीं मंदिर होता है शायद, चर्च होता है पता नहीं क्या है वो। हाँ यहाँ पे एक बंदा दिखता है जो मेरे को आवाज़ आ जाती है, मैं उस वाले बंदे से फाइट ले रहता हूँ उसी टाइम। ये बगी लेके आया होता है, उसको डैमेज देता हूँ थोड़ा। M4 रिलोड करी, एक पे नेट की पिन खींची। बंदा मेरे को डराने के लिए फायर करता है, वो सोचता है कि मैं नेट सही से नहीं फेंक पाऊँगा। लास्ट सेकंड नेट फेंकता हूँ, वहाँ पे पटा हो गया ख़त्म बंदा। एंड ये नेट अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, नहीं सब्सक्राइब करना है, लाइक नहीं करना। उसके बाद एक बंदा यहाँ पे था और एक साइड में था मेरे, ये जो मुझ पर फायर देता है बहुत गंदा वाला। अब मैं यहाँ पर फंसा हुआ था क्योंकि मैं रोज़ आना नहीं चाहता था, बट मुझे यहाँ पर आवाज़ आती है फाइटिंग की तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। अब मैं इस वाले बंदे पे देख रहा था तो इतने में वो लेफ्ट साइड वाला जो बंदा है वो बाहर निकल आता है करके, मुझे आवाज़ आती है उसकी। एंड अब मेरा पूरा ध्यान उस वाले बंदे पे था मारने के लिए, तो मैं उस पर थोड़ा IQ लगाता हूँ। मैं सोचता हूँ थोड़ा पीछे से जाके घूम के मारेंगे इसको, तो मैं पीछे की साइड जाता हूँ। तो यार आप सभी को यार बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने यार पिछली 2-3 वीडियो पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाया यार, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड ऐसे ही थैंक सपोर्ट दिखाते रहो यार, ऑब्वियसली आपका भाई का चैनल है यार, तो सपोर्ट दिखाते रहना। एंड इस वाले वीडियो में एम करते हैं पूरे 1000 व्यूज़ का, तो वो आप कंप्लीट कर दें। अब मैंने उसको थोड़ा डैमेज दिया और मैं उस पर सीधे रश कर देता हूँ, लेकिन वो बंदा पीछे से उतर के भाग के इस वाली साइड आ जाता है जो मेरे को फायर देता है। और अब यहीं पर पूरी भसड़ होने वाली है, 5 बंदे मुझ पर रश करेंगे यहाँ पर अलग अलग साइड से। उसको तो मार दूंगा मैं बहुत ईजीली, अब एक बंदा वो सामने से जब मैं इस पर फायर दे रहा था तो वो क्रॉस कर रहा था, वो शायद गाड़ी के पीछे जा रहा था, पता नहीं क्या कर रहा था। अब इसको भी मार दिया, इतने में पीछे की साइड फ्लेयर आती है। एक्चुअली मैं उस फ्लेयर पे ही जाने को था, बट लेकिन मैं ये बंदा मेरे को फायर करता है तो मैं यहीं पर रुक जाता हूँ। उसके बाद आपको सामने से एक बग्घी आती हुई दिख रही होगी, डैमेज देने की ट्राई करता हूँ, बट लेकिन एक भी एमओ टच नहीं हुई, पता नहीं क्यों नहीं हुई है। अब वो मेरे को डैमेज कर देता है यार, अब मेरी हवा निकल जाती है
अब मैं पहले तो उस पेड़ के पीछे टीपी भी लेने वाला था, बट मुझे ये बंदा दिखता है जैसे ही। अब ये हाकिम ग्रोवर थे भाई, अब इनको भर देते हैं। ये भाई साहब थर्ड पार्टी करना चाह रहे थे हम पे, लेकिन मैं फिर यहाँ पे थोड़ा हीलिंग वीलिंग करता हूँ, मेरा थोड़ा हेल्थ कम हो जाता है। अब इतने में क्या होता है कि मैं यहाँ पे हीलिंग वीलिंग कर रहा होता हूँ, जैसे ही मेरा हीलिंग कंप्लीट होता है तो वो बंदा साइड से मेरे पे पेड़ पे आता है, वो समझता है मैं पेड़ पे हूँ, लेकिन एक्चुअली में इतने में पीछे से भी एक बंदा आ जाता है यार, उसे देख के मेरी फट जाती है। पहले तो इसको ख़त्म किया मैंने, उसको ख़त्म किया तो मैंने साइड में देखा कहीं और बंदा तो नहीं है इधर कहीं। अब साइड में कोई बंदा नहीं था तो सामने वाले पे पहले जाते हैं, बट लेकिन उससे पहले थोड़ा इसकी लूट ले लेते हैं। अब लूट ले ली, अब जो सामने बंदा आया था वो उसको मेरी थोड़ी सी, मेरे को उसकी थोड़ी झलक दिखती है, और वहाँ से लेटे हुए थे सांप बन के डसना चाह रहे थे। इनको भर देते हैं और इनके लूट ले लेते हैं। अब इसके बाद सीधे चलते हैं कहाँ पे, फ्लेयर पे। अब फ्लेयर पे आए तो मुझे बंदे की लोकेशन नहीं पता थी यार, तो मैं ट्राई कर रहा था साइड से, मुझे थोड़ा सी झलक आई थी उसको, थर्ड स्टोरी के टॉप पे था वो, तो मैं इस वाले घर में जाता हूँ, थोड़ा बहुत पीक भी करके देखते हैं कि कहाँ पे है बंदा। मुझे पक्का कंफर्म नहीं था, बट थोड़ी सी मुझे वो झलक दिखी थी उसकी, पर इतने में मुझे कंफर्म हो जाता है कि वो बंदा सामने ही है। लेकिन वो भाई साहब इतने में नीचे जंप कर जाते हैं। अब वो नीचे जंप करते हैं तो मैं भी जंप कर देता हूँ सीधे। अब जंप किया, इतने में जोन आ रहा था यार, और जोन काफ़ी छोटा था जो डैमेज देता था। अब ये भाई साहब लूट रहे थे वहाँ पे खड़े, इन्होंने साइड के बंदे को मारा था, इन्होंने लूटा नहीं था। अब इनको तो भर दिया मैंने रख के। अब आपको सामने वो एक गाड़ी खड़ी दिख रही होगी लेफ्ट साइड में, वो देखो। अब उसका गाड़ी का ओनर वहीं पे सांप बना हुआ लेटा था, वो मेरे को मतलब डसने की तलाश में था कैसे भी करके। लेकिन जब मैं इधर से क्रॉस कर रहा होता हूँ तभी मुझे उसकी हल्की सी झलक दिखती है थोड़ी सी, ये दिखा है भाई साहब। तो फटाफट से जोन में चलते हैं बाकी बंदों को देखने। इसके अलावा आप 1xBet को भी ट्राई कर सकते हैं यार, क्योंकि आप में उसमें बहुत सारे गेम्स पर प्रेडिक्शन लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको इंस्टेंट विड्रॉल का ऑप्शन भी मिलता है, और अगर आप मेरा बोनस कोड गोपर्स गेमिंग यूज़ करेंगे तो आपको 2000 रुपये तक का बोनस भी मिलेगा, जिसे आप मैच में लगा सकते हैं, और जो मैच में लगा के आप पैसे जीतेंगे वो अपने पेटीएम में या UPI के थ्रू आप अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आप ट्राई जरूर करना, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, तो आप ट्राई जरूर करना। फिर उसके बाद आते हैं इस वाली जगह पे, काफ़ी देर से चक्कर काट रहे थे, कोई बंदा नहीं मिल रहा था यार, लेकिन मैं यहाँ से चुपचाप निकल रहा था, लेकिन भाई साहब ने फायर करके बुलाया मेरे को मेंशन वाले हाउस में। छत पे चढ़े हुए थे भाई साहब, इनको मारने में दिक्कत भी काफ़ी होती है क्योंकि भाई साहब के बैरल थी यार, अब बैरल से मैं ज़्यादा पंगा नहीं लेता हूँ, क्योंकि बैरल वाले बहुत बुरी तरीके से भरते हैं। मैं खुद बैरल ज़्यादा चलाता हूँ, लेकिन इस वाले मैच में मैंने नहीं चलाई, एक AR और एक SMG चलाई मैंने इस वाले मैच में। अब मेरे पास एक ही नेट था, वो बंदा सामने था, लेकिन वो यार इधर उधर बहुत भाग रहा था तो नेट ख़राब हो गया यार, अब जाके उसको मारना ही पड़ेगा। लेकिन वो बंदा बहुत ही होशियार था यार, वो सामने वाले कमरे में चला जाता है और वहाँ पे TPP लेने लगता है। अब मैं एक स्मोक फेंकता हूँ उसको डराने के लिए, शायद से वो बाहर निकल आए, लेकिन वो बाहर ही नहीं निकलता है। लेकिन भाई साहब मेरे पे नेट फेंकने लगते हैं। एक्चुअली में ये वाला बंदा बहुत बढ़िया खेल रहा था, क्योंकि अभी तक मेरे अलावा इसने ही सबसे ज़्यादा किल किए थे इस लॉबी में। अब एक मौली फेंकते हैं मेरे पे, अब मैं यहाँ से हट जाता हूँ फिर से। भाई साहब बहुत ज़्यादा प्रो थे, काफ़ी देर हो गया था इनसे फाइट करने में, लेकिन आखिरकार मैं यार ही जाता हूँ अंदर, और मैं इस साइड आ जाता हूँ। अब मैं यहाँ से एंगल बनाने की सोच रहा था, लेकिन ये भाई साहब इतने में यहाँ से जंप करते हैं और यक गए। अब इन्होंने जैसे ही जंप किया मैंने यार UG से भर के रख दिया, एंड इसी के साथ इनका काम तमाम कर दिया। तो ये वाला किल बढ़िया लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ढूंढ रहे थे, लेकिन ये भाई साहब फायर करके बुलाते हैं मेरे को इस कारल चला के। अब मैं, मेरे को लगा ये भाई साहब इस वाले घर में होंगे, लेकिन ये इस वाले घर में नहीं थे, क्योंकि ये तो जोन के बाहर था। उसके बाद मैं थोड़ा चक्कर उक्कर काटता हूँ यहाँ पे। अब मेरे को इतना तो कंफर्म था कि भाई साहब कहीं सांप बने हुए लेटे हैं, अब मैं ढूंढ रहा था उनको, भाई साहब किधर हैं मुझे बुला रहे थे, तो मैं ढूंढ रहा था उनको, लेकिन भाई साहब तो यहाँ पे लेटे हुए थे।
थोड़ा सा मेरे को झलक दिखता है उनका और ये कुचल दिए जाते हैं। अभी इनको मार दिया, अब लास्ट बंदा रह गया था सिर्फ। लास्ट बंदे को मारने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है क्योंकि वो मुझे यहीं से दिख जाते हैं, सामने वाले पेड़ पे। यहाँ से नहीं, मैंने जल्दी बोल दिया थोड़ा यार, अब दिखे मेरे को वो वहाँ पे लेटे हुए हैं सामने, ये दिखे। अब भाई साहब का गिली सूट था। अब ये कुचला तो मैंने इनको था बट लेकिन ये मरे ही नहीं, लेकिन अपने पास वो जीते तो इनको भर के रख दिया इसी के साथ, तो एक ईजिली चिकन डिनर हो गया। तो यार दैट्स इट, यही गेम प्ले था। होप आपको बढ़िया लगा होगा, एंड बढ़िया लगा हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि इस गेम प्ले का कौन सा सीन आपको अच्छा लगा। और आपको यार सब्सक्राइब भी करना है यार, इम्पोर्टेंट है यार, सब्सक्राइब भी करना है और कुछ नहीं करना है। बहुत सारे लोग यार लाइक शेयर करने के बोलते हैं, तो आपको सब्सक्राइब करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। और हाँ, 1xBet को ज़रूर ट्राई करना, लिंक मैंने कमेंट में पेस्ट कर रखा है। एंड ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, तो आपको मेरे से कोई भी पर्सनल चैटिंग वेटिंग करना हो तो जाके मुझे फॉलो कर लो वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे मैं अपनी पोस्ट वगैरह डालता रहता हूँ। तो इसी के साथ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।